तो फ्रेंड्स, आजकल ज़माना बहुत एडवांस हो चुका है। मैंने ये बात बहुत बार करी है, ए आई चैट के बारे में करी है, लेकिन आज थोड़ा टॉपिक हटके है। आज टॉपिक है यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मौज, जोश, शेयर चैट, इन सब के ऊपर। तो इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस बनाते हैं लोग, जिसको देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं और वो सोचते हैं कि हम भी ऐसी वीडियो बनाएं। किसी ना किसी को देख के ऐसा लगता है कि वो कितनी अच्छी वीडियो बना रहा है, हम भी ऐसी वीडियो बनाएं। इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे तो बहुत फैल रखा है, तो ऐसे ही बात शुरू हो जाती है वीडियोस बनाने के ऊपर, और सभी बनाते हैं वीडियोस। कहीं ना कहीं आप सबको कहीं ना कहीं, अगर आप देखोगे ना, अपने अंदर झांकोगे, तो आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि आपके पास वीडियो बनाने की एक थिंकिंग है। आपके पास जो कुछ भी देख रहे हो, गाना सुन रहे हो, तो गाना गाने की थिंकिंग है आपके पास। मैं भी काश ऐसा गाना गाऊं, या मूवी में कोई बढ़िया सीन लगा आपको तो मैं भी काश ऐसा मूवी सीन करूं, आपके अंदर इच्छा जरूर आएगी। और ये तो कलयुग आ चुका है, कलयुग के बारे में मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन वैसे जितनी मेरी थिंकिंग है, बच्चा ही हूँ मैं अभी, तो बच्चे बचपन वाली जितनी थिंकिंग है मैं उतनी बताता हूँ आप लोगों को। तो कलयुग आ चुका है, आजकल तो हर एक चीज के ऊपर करने का मन करता है लोगों का, चाहे वो स्टडी रिलेटेड हो, सॉन्ग रिलेटेड हो, एक्टिंग रिलेटेड हो, और कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यानी कि क्रिकेट प्लेइंग, फुटबॉल, यानी गेम के रिलेटेड हो, या फिर गेमिंग, कंप्यूटर गेमिंग करना, PS1, 2, 3, 4, 5, PS5, PS पोर्टेबल सारा करना, कितना अच्छा लगता है। आजकल एडवांस हो चुका है, तो हर एक के अंदर थिंकिंग आती है। तो ऐसा अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी ऐसे करते हो। तो इस चीज के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे, थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन रखोगे, तो आपको जरूर दिखेगा कि आपके अंदर है ये पॉइंट। तो ये पॉइंट मैंने बताना है आप लोगों को, और भी काफी बातें करने को जो कि मैं करता रहूंगा आपके साथ। और आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरे को काफी अच्छा लगेगा जान के। और टॉपिक ही बताना आप लोगों को, कौन सा चाहिए जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, आप लोग बताना, मैं उस पर बनाऊंगा, मुझे भी अच्छा लगता है बनाना। वैसे मैं पता यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे कब से आया, मेरे बारे में आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। चलो मैं अपना एक मतलब एक अपने बारे में थोड़ी बात करता हूँ आप लोगों के साथ। तो मैं यूट्यूब के ऊपर कैसे आया, पहले मैंने वीडियोस देखी, पहले मतलब मैं पढ़ाई करता था, मतलब पढ़ाई के ऊपर ही खोया हुआ था पूरा, पढ़ाई के अलावा किसी चीज़ के बारे में सोचता नहीं था। तो ऐसे पढ़ाई करता रहा मैं, लेकिन फिर मेरे को पढ़ाई से एक झटका मिला। झटका क्या मिला कि ना, मैंने पढ़ाई करी लेकिन मैं कर नहीं पाया अच्छे से, जितना मतलब इतना सारा सिलेबस था मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाया। तो मेरे को एक इनर दिमाग अंदर ही अंदर मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा पढ़ाई के कारण। मतलब मैंने सोचा मैं बाद में कर लूँगा पढ़ाई, या फिर थोड़ी देर बाद में कर लूँगा, सिलेबस याद नहीं हो रहा, हो जाएगा थोड़ा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, मैं ऐसा सोचता रहा, लेकिन सिलेबस याद नहीं हुआ तो मेरे मार्क्स कम आए। और उस टाइम मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी मेरे क्लियर नहीं हुआ, तो मेरा काफी बुरा लगा मेरे को। तो पढ़ाई के ऊपर से मेरा विश्वास हट गया। तो मेरा फिर विश्वास कहाँ आया, कि थोड़ा मैं मतलब बाहर की दुनिया में एंगेज हूँ, खुश रहूँ, मतलब थोड़ा सा ना इंजॉय करूँ लाइफ को, मजे लूँ लाइफ के, मेरा मन ऐसा किया। तो मैंने लिए भी फ्रेंड्स, मैंने संगत ऐसी बनाई, मैंने संगत ऐसी बना ली मैंने कि बस क्या ही बताऊं।
उसके अंदर मैं घुलता मिलता रहता था, गेम खेलता था, क्लैश ऑफ क्लैन, पबजी, BGMI, और बुराइयां भी करता था लोगों की। वैसे मैं नहीं करता, जब मैं पढ़ाई करता था ना तब मैं किसी की बुराई भी नहीं करता था, सिर्फ पढ़ाई में एंगेज रहता था और अपने आप से मतलब रखता था। लेकिन तब मैंने, जब मैं उस संगत में गया तो मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। तो तभी वहीं से मेरा ध्यान वीडियो के ऊपर गया और तब मेरा ध्यान यूट्यूब के ऊपर आया और तब मैंने एक चैनल खोला राजेंद्र सिंह नाम से, उसके ऊपर डालता था मैं वीडियो। राजेंद्र सिंह मेरा रियल नेम है। तो उस चैनल के ऊपर मैं बना के डालता था वीडियो। सबसे पहले तो मैंने कैरी मनाटे की वीडियो देखी थी, वो डाली थी, तो उसके ऊपर स्ट्राइक आ गई थी। मेरे को तब पता नहीं था कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, मेरे को पता नहीं था। मैंने बस बना के डाल दी, एक गाना भी बना के डाला, मतलब गाने का कॉपी किया, उसको अपने चैनल पर डाल दिया, तो उसका कॉपीराइट क्लेम आ गया था मेरे पास, मेरे को पता नहीं था। और मैंने तब यूट्यूब स्टूडियो भी तब शायद चला नहीं था, तब कंप्यूटर के थ्रू ही देख सकते थे इन सब चीज़ों को। तो फिर मुझे पता नहीं था, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हो गया देखी जाएगी। फिर मैंने सिंगिंग करते हुए लोगों को देखा यूट्यूब के ऊपर, तो मैंने सिंगिंग शुरू कर दी। मैं फ्रेंड्स को बोलता था कि चल यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक पे वीडियो बनाते हैं, तो फ्रेंड्स कहते थे नहीं यार, उसके लिए ना एक टीम होनी चाहिए कॉमेडी करने के लिए, और एक थिंकिंग होनी चाहिए, एक गाइडेंस हो मिलनी चाहिए, तब बनेगी वीडियो कॉमेडी पे, ऐसे नहीं बनेगी। मैंने कहा चलो तुम ना बनो, मैं तो बना सकता हूँ, मैं सिंगिंग में बना सकता हूँ। उनकी बेइज्जती कर दी थी। तो मैं कहा मैं सिंगिंग में वीडियो बनाता हूँ, तो मैंने बनाई भी, लेकिन वो चली नहीं इतने, तो मेरे को बुरा लगा। फिर मैंने व्लॉग के ऊपर आना टाइम शुरू कर दिया, तब मैंने रिमोरो व्लॉग्स देखे थे, मतलब यूट्यूब के ऊपर एक चैनल व्लॉग का देखा था, जिसके ऊपर इतना वो बड़ा चैनल नहीं था, लेकिन उसको देख के मेरे को काफ़ी अच्छी लगती थी वीडियो बनाना, हंसी मजाक करना अच्छा लगा, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। और कुछ बंदों को ऐसे को भी देखा जो कि यूट्यूब के ऊपर पब्लिक अवेयरनेस रिलेटेड वीडियो डालते थे, तो उनसे भी इंस्पायर होकर मैंने वीडियो डालनी शुरू कर दी पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं डालता था वीडियो, और उसके बाद मैं डालता रहा, कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर मैं धीरे धीरे व्लॉगिंग के ऊपर इन्हेंस हो गया, फिर मैं धीरे धीरे इन्फ्लुएंस होने लगा लोगों से व्लॉगिंग के ऊपर। सिंगिंग के ऊपर मैंने छोड़ दिया, मगर सिंगिंग हो नहीं रही मेरे से, मतलब व्यूज नहीं आ रहे। कॉमेडी वीडियो को छोड़ दी मैंने, व्यूज नहीं आ रहे। फिर व्लॉगिंग के ऊपर आया, मैंने लोगों को व्लॉगिंग करते देखा, तो मैंने सोचा मैं भी करूँगा व्लॉगिंग। तो फिर मैंने कर उसके ऊपर चला नहीं देना चैनल, तो फिर मैंने सब फॉर सब पे आ गया। मतलब एक बार सब्सक्राइब मैं करता हूँ आपके चैनल पे, और फिर एक बार आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। जो छोटे ब्लॉगर्स थे ना, मैं उनको कमेंट में जाके ऐसे बोलता था, तो वो मेरे ब्लॉग सब्सक्राइब करते थे, मैं उनका चैनल सब्सक्राइब करता था, और हम दोनों एक दूसरे की वीडियो देखा करते थे। तो ऐसे बात पे आ गया, तब मैं सोचता था कि चलो अभी अपने ऊपर है, पैसे से तो मैं सोचता था कि मेरी टैलेंट के ऊपर आएगा, जितना मैं अच्छा गाऊंगा, मतलब जितना अच्छा मैं व्लॉग बनाऊंगा, उतना अच्छा मेरी वीडियो आएगी, वीडियो के ऊपर व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो मैं सब पे आ गया, वो भी नहीं हुआ इतना चला, मतलब चला काफ़ी हद तक, लेकिन बाद में ना सब्सक्राइबर अपने आप कम हो जाते थे, 10-15। मैं 10-15 बनाता था, 10-15 फिर कम हो जाते थे, फिर मैं कन्फ्यूज हो जाता था ये कम क्यों हो रहे हैं, हो जाते थे, मतलब पता नहीं शायद, या फिर सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं लोग, पता नहीं क्यों, मेरे को पता नहीं। उसके बाद सब वो सब किया, फिर उसके बाद मैं अभी यहाँ पे आ गया हूँ, चाहे नॉर्मल वीडियोस बनाने के ऊपर आ गया हूँ। अब ऐसे नॉर्मल वीडियोस बनाया करूँ, अपनी एक्सपीरियंस शेयर क्या करूँ। मैंने देखा एक लड़की को करते टाइम, तो इसलिए उसको देख के मेरा भी मन किया मैं भी ऐसे ही कर लिया करूँ, एक नॉर्मल अपना एक्सपीरियंस शेयर करना और एजुकेशन वीडियो देना, नॉलेज वीडियो देना। मैंने सोचा मैं एजुकेशन वीडियो बना के भी डाला करूँगा, मैंने सोचा, देखते हैं अब क्या होएगा। लेकिन मेरे को ये नहीं पता मेरे ये वाला चैनल कितना ग्रो करेगा, मुझे ये नहीं पता,
लेकिन मुझे ये पता चला है कि वीडियोस जिस कंसिस्टेंट बनानी चाहिए डालनी चाहिए, और एक टॉपिक ढूंढ लेना चाहिए जिसके ऊपर आप वीडियो बना रहे हो। मतलब जैसे मेरा टॉपिक नॉलेजेबल वीडियोस है, एक्सपीरियंस शेयर है, तो मैं इसके ऊपर बना के डालता हूँ। तो ये एक पॉइंट होना चाहिए। मैंने बीच में गेमिंग वीडियो डालनी शुरू कर दी थी जो कि मैं चली नहीं, मेरी ये वाली वीडियो चलती थी और व्लॉग्स चलते थे, तो मैं इसके ऊपर बनाता हूँ वीडियोस। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। एक मैंने अपना पर्सनल लाइफ शेयर, एक्सपीरियंस शेयर करना था आपकी आपके साथ, और मुझे वीडियोस बनाने के ऊपर भी एक बताना था कि लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्फ्लुएंस लोगों की वीडियो देख के, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के डालनी थी, तो वो मैंने बना के लिए डाल दी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अब आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।